कॉन्फ्रेंस भारत सीपीआई सीपीएम माले के एवं अल्पसंख्यक अधिकार समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वामपंथी पार्टियों के राज्य के शीर्ष नेतृत्व एवं उसके अल्पसंख्यक मोर्चे पर कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो समन्वय समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। मेरा मुद्दा है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित जो समस्याएं अल्पसंख्यक फेस कर रहे हैं, जैसे उनके वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं का गठन नहीं किया जा रहा है झारखंड में, अल्पसंख्यक बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और तमाम इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं जो कानून के तहत प्रदत्त है, उसको नहीं किया जा रहा। इस सवाल को लेकर हम लोगों ने यह तय किया है कि 11 मार्च को एसडीसी हॉल पुरलिया रोड में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि होंगे पूर्व न्यायाधीश मनोरंजन मोहंती ओडिशा हाईकोर्ट, सुभाषनी अली पूर्व सांसद, अतुल कुमार अंजान सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्लिंटन डिजारियो एडवोकेट कर्नाटका हाईकोर्ट, इसके अलावा शिक्षा जगत से कानून के शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग डॉक्टर प्रोफेसर अफकार अहमद और कई नामचीन न्यायाधीश एवं लोग शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के राजनीति के क्षेत्र में घटती हुई प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जिसके चलते इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिसका नतीजा है कि राज्य के अंतर्गत उनके संस्थाओं का भी गठन नहीं हो रहा है और जो मौलिक अधिकार का जो संवर्धन और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें एक सचिव मंडल इन सवालों को लेकर महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री से संयुक्त तत्वाधान में, वामपंथी पार्टियों के संयुक्त तत्वाधान में मिलेगी और इस तमाम बातों को रहकर और इस कन्वेंशन को सफल कराने के लिए राज्य के सभी जिले से लोग उसमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें शिक्षक, वकील, न्यायाधीश और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं तथा इंजीनियर वगैरह सारे लोग रहेंगे, ताकि हमारा जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है वह उसका प्रोटेक्शन और प्रमोशन हो। हमेशा कुछ न कुछ अपनी सरकार भी होती है तो हमें याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि अपनी शक्ति को पहचानने के बात होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो उन्होंने घोषणा पत्र में भी अगर किया है तो ये हमारी राज्य सरकार की भी 3 साल हो गई है तो अभी घोषणाओं को पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतार सके। अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हो सका है तो अल्पसंख्यक का मतलब हम केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, तो ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, हर तरह के समुदाय को यहाँ कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, ये भी हमारी सरकार से मांग हो रही है। इसके लिए हम लोग जन चेतना चलाने का काम करें कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सामाजिक जीवन को संरक्षित करें और लोगों को कैसे अधिक से सुरक्षा प्रदान करें, उनको कैसे अधिक सामाजिक भागीदारी में देश राजनीतिक हो या सामाजिक बारे या वित्तीय जो उद्योगों में जो भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए हम सरकार को अल्टीमेटिव के रूप में एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं, उनसे मिल के बातें भी रखेंगे, एक सेमिनार के द्वारा पूरे राज्य में जन जागरण चलाएंगे और बताने का प्रयास करके अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार पर नहीं बात करिएगा, नहीं सोचेगा तो हम बाध्य होकर आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ और उस आंदोलन को जो हमारा अधिकार उसको दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद सभी सांबादिक साथी। झारखंड में अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो समस्या है उनको लेके हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम सीपीआई माले, अल्पसंख्यक मोर्चा का एक अल्पसंख्यक का प्रॉब्लम को लेके जो डिमांड है, हम लोग को डिमांड को लेके हम लोग एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं। उस कन्वेंशन को सफल करने के लिए आज ये है सामाजिक सम्मेलन है और हम लोग का ये है कि हम लोग का जो डिमांड है उस डिमांड को पब्लिक से, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक तक ले जाना है, यही हम लोग का मकसद है। और हम लोग का डिमांड को जो उस डिमांड है हम लोग रिलीज में बता देंगे सारा चीज। हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग का डिमांड सरकार से, पब्लिक से लेके सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।